क्रिया किसे कहते हैं जब भी कोई हम काम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं सो ऑल द एक्शन वर्ड्स एंड डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स ओके यू हैव लर्न दैट वर्ब्स कैन बी डूइंग वर्ड्स और बीइंग वर्ड्स आप सबको पता है कि वर्ब्स कैन बी डूइंग वर्ड्स जो भी हम काम करते हैं ओके okay, उन्हें हम वर्ब कहते हैं डूइंग वर्ड्स टेल अस अबाउट द एक्शन बींग डन डुइंग वर्ड्स हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन हो रहा है स्लीपिंग ईटिंग ड्रिंकिंग रीडिंग राइटिंग है ना दीज आर दर्ड्स एंड बीइंग वर्ड्स और बींग वर्ड्स हमें बताते हैं टेल अस वर्ड सम वन और समथिंग इज लाइक कोई भी जो काम हो रहा है वो कैसा है द बीइंग वर्ड्स आर बींग वर्ड्स एम इज आर Was, were, do, does, did, has, have, and had. All these are the being words. ठीक है ये सब being words है According to the sentence or according to the tense we use these words. ठीक है सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो क्या लगता है हमारा ऑल ऑफ यू नो होता है ठीक है पहले भी बताया आपको सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा और plural के साथ क्या यूज़ होगा वो भी हम आगे पढ़ेंगे ओके okay? लेटस रिकॉल द रूल्स फॉर यूजिंग बींग वर्ड्स बींग वर्ड्स को जो जहाँ जहाँ हम बींग वर्ड्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं एम इज़ यूज बाई यूज ओनली विथ आई एम कहाँ यूज़ होता है हमेशा सिर्फ आई के साथ है ना? आई एम अ गर्ल आई एम अ बॉय है ना कभी आपने देखा no? है आई इज़ ए गर्ल आई इज़ अ बॉय नव है ना तो ऐम हमेशा आई के साथ ही यूज़ होगा और आई के साथ हमेशा एम ही यूज़ होता है इज़ वॉज डज एंड हैज़ आर यूज़ आर यूजड विद सिंगुलर नाउंस एंड ही शी इट वॉज इज़ ऑल्सो यूज विद आई इज वॉज डज एंड हैज़ आर यूज इज वॉज डज और हैज़ कहाँ यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ ठीक है सिंगुलर किसी का कोई पर्सन है राम है राम सीता मीरा इन सब के साथ सिंगुलर नाउन यूज़ इज़ वॉज डज यूज होगा एंड हैज़ ही शी इट वॉज इज ऑल्सो यूज विद आई ये आई के साथ भी यूज़ हो सकते हैं वॉज इज ऑल्ज आई के साथ हम वॉज भी यूज़ कर सकते हैं एम तो लगता है प्रेजेंट टेंस के लिए अगर आई के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा पास्ट टेंस में आर वर डू एंड हैव आर यूज विद प्लूरल नाउंस ये सब हमारे किसके साथ यूज़ होते हैं प्लूरल्स नाउन के साथ जहाँ हमारे सब्जेक्ट है प्लूरल होता है एंड यू बोथ सिंगुलर एंड प्लुरल और यू हमारा सिंगुलर के साथ भी यूज़ हो सकता है और प्लुरल के साथ भी वी दे हैव इज़ ऑल्सो यूज विद आई और वी दे हैव ठीक है और हैव वी और वी और दे तो या वी और दे ये अलग है ओके हैव इज यूज विद के साथ हम have, use, कर सकते हैं ओके ओके ए नंबर वन माई कोच डैश हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस इन द गेम यहाँ पे देखिए आपको फिर द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्क फ्रॉम द बॉक्स यहाँ पे बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको यहाँ से पिक करने हैं ये सब क्या है हमारे बींग वर्ड्स एम इज वॉज वर्ड हैज डेज है ना ये सब बींग वर्ड्स हैं हमारे और ये सब कहाँ यूज़ होंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको इनमें से ही यूज़ करने हैं माई कोच वॉज हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस इन द गेम मेरा कोच जो थे वो मेरे खुश हुए मेरी परफॉर्म इन गेम्स में मेरी परफॉर्मेंस देखकर आई डू योगा एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट दे हैव फाइन रेड सेलिंग बोट उसके पास एक रेड फाइन रेड कलर की सेलिंग बोट है ही इज़ लुकिंग एट द स्टार्स थ्रू अ telescope. वह टेलीस्कोप से स्टार्स को देखता है देख रहा है

यू डैश अ गुड कलेक्शन ऑफ मिस्ट्री नॉवल्स हैव तुम्हारे पास मिस्ट्री नॉवल्स के बहुत ही अच्छी कलेक्शन है एनीगल डैश शार्प क्लॉज टू हेल्प इट हंट ईगल के बहुत ही शार्प क्लॉज पंजे होते हैं जिससे वो हंट मीन्स शिकार करना यानी कि अपना जो भी उस शिकार करती है वो खाने के लिए बहुत अच्छे से पकड़ सकती है उसको लकी टू बी इन द टॉप टेन यू है यहाँ पे है ना इसलिए प्लुरल के साथ व यू लकी यू वर लक्की टू बी इन द टॉप टेन नंबर इलेवन दे डू वॉल्ट्री वर्क एट द सेंटर फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रेन नंबर ट्वेल्व दिस मशीन डज द वर्क ऑफ टेन ह्यूमन बींग्स यह मशीन टेन ह्यूमन बींग्स यानी कि दस आदमियों के बराबर का काम करती है ओके सो स्टूडेंट्स आई होप यू इंडर स्टूड वेरी क्लियरली डू दीज एक्सरसाइज इन योर बुक रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो टिल देन गुड डे गुड बाय